हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट माउंटेन हिल्स के बारे में। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में लगभग एक से दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, जहाँ भी ज्योग्राफी का कंटेंट पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, गारो हिल्स लाई इन द स्टेट। गारो हिल्स जो है वो कौन सी स्टेट में स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर है मेघालय। गारो हिल्स, गारो, खासी और जयंतिया तीनों ही पहाड़ियाँ मेघालय में पाई जाती हैं, तो मेघालय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, यानी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं दुर्दा बेटा, महेंद्रगिरी, कोलारी बेटा या फिर अनाईमुड़ी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगिरी जो है ये ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। गुरु शिखर जो है कौन से पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर जो है वो अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, मौसिनराम जो है वो मेघालय की किन पहाड़ियों पर स्थित है? अभी आपको बताया था कि गारो, खासी और जयंतिया तीनों ही पहाड़ियां मेघालय की हैं, तो इनमें से मौसिनराम जो है वो मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। लद्दाख इज़ लोकेटेड बिटवीन, लद्दाख जो है वो किसके किसके बीच में स्थित है? लद्दाख काराकोरम रेंज एंड जास्कर माउंटेन के बीच में स्थित है, ध्यान में रखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो नीलगिरी की पहाड़ियों से चिन्हित होता है, ध्यान में रखेंगे। जब हम लोग अपने दोनों घाटों को देखते हैं ना, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, तो इसमें जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, इसका जो लास्ट पार्ट है, यहाँ पर सदर्न मोस्ट पार्ट, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, कार्डमम, नीलगिरी, ये सभी पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो जहाँ पर दोनों घाट मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलाधर रेंज फॉर्म्स पार्ट ऑफ विच हिमालयस। तो कौन से हिमालय का हिस्सा है धौलाधर रेंज? ये लेसर हिमालय का हिस्सा है यानी कि लघु हिमालय का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्लेट्यू। वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है? तो तिब्बत प्लेट्यू जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ़ द फॉलोइंग हिल्स इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू माउंटेन। तो ब्लू माउंटेन, नीला जैसे ब्लू कहते हैं, तो ऐसे ध्यान में रखेंगे, नीलगिरी हिल्स को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ ए ब्लॉक माउंटेन, तो इनमें से ब्लॉक पर्वत कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा सेकेंड यहाँ पर राइट है, सतपुड़ा जो है ये एक ब्लॉक माउंटेन का टाइप है। विच हिल्स आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। जैसा कि आपको बताया था, जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट जहाँ पर मिलते हैं वो वहाँ पर कौन सी हिल्स हैं? तो वहाँ पर नीलगिरी की हिल्स हैं यानी नीलगिरी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू का कौन सा पार्ट नहीं है? तो आपको जैसा कि बताया था, मेघालय में तीन तरीके की पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो इसमें जो पलामू हिल्स हैं, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। पलामू हिल्स जो हैं ये मेघालय प्लेट्यू का पार्ट नहीं है। गारो खासी रेंज इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये मेघालय में लोकेटेड है, अभी आपको बताया था, गारो खासी जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में पाई जाती हैं, तो गारो खासी रेंज मेघालय में लोकेटेड है। वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन है, विच इंडियन माउंटेन लुक्स लाइक ए जायंट पिरामिड एंड हैज़ अ फ्लैट समिट एरिया एंड टू पीक्स। कौन सा ऐसा भारतीय पर्वत है जो एक विशाल पिरामिड के जैसा दिखता है और एक समतल शिखर क्षेत्र है, इसमें दो चोटियां हैं? तो कामेट जो है ये एक ऐसा भारतीय पर्वत है जो कि एक बड़े पिरामिड के जैसा दिखता है और इसमें दो पीक्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज सिचुएटेड नियर द सियाचिन रीजन ऑफ लद्दाख इन इंडिया। कौन सा पर्वत है जो भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास में है? तो K2 माउंटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज एट हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर कौन है? तो नामचा बारवा, कामेट, नंदा देवी या फिर मकालू। दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो नंदा देवी है ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर है। हाईएस्ट एल्टीट्यूड का मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर, तो इनमें से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर नंदा देवी शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रगिरी इज़ द हाईएस्ट पीक इन द। महेंद्रगिरी जो है वो कहाँ की हाईएस्ट पीक है? ये पूर्वी घाट की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज़ होम टू द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड K2। तो काराकोरम रेंज जो है ये दुनिया की सबसे दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी K2 का घर है,
मतलब केटू जो है ये काराकोरम रेंज में पाई जाती है। बात करें अगर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी तो ये माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में हाईएस्ट पीक है अनाई मुड़ी, ध्यान में रखेंगे। विच ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हिमालय, हिमालय की जो आउटर मोस्ट लेयर है इनमें से कौन सी है, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, लेशर हिमालय या फिर शिवालिक हिल्स। तो देखिए इनकी जो इनका जो सीरियल है वो पहले आपको ट्रांस हिमालय मिलेगा, उसके बाद ग्रेटर हिमालय है, फिर लेशर हिमालय है, लास्ट में आती है शिवालिक रेंज। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शिवालिक रेंज जो है वो हिमालय की सबसे बाहरी रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज सिचुएटेड इन असम। असम में कौन सी हिल्स हैं, अरावली, शेवरॉय, कार्बी एंगलोंग या फिर जवादी। तो कार्बी एंगलोंग हिल्स जो हैं ये असम में स्थित हैं, ध्यान में रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाएंगी, गिरनार, कैमूर, पंचमढ़ी या फिर नागरी हिल्स। नागरी हिल्स जो हैं ये पाई जाएंगी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, देवमाली इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ। देवमाली जो है वो कहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो देवमाली ओडिशा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा। तो इस तरीके से हम लोगों ने माउंटेन एंड हिल्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, तो आप इनका 2 से 3 बार रिविज़न कर लेंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। आई होप कि आपको क्लास हेल्पफुल लगेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। थैंक यू।